हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे एक नया वीडियो देन आज हम ऐसा कुछ करने वाले हैं फोटोशॉप में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये मेरा इमेज है जो मैंने इंपोर्ट किया है। अगर आपको नहीं पता कि कैसा ग्रुप इमेज इंपोर्ट करते हैं, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद फाइल में जाकर ऑटोमेट पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट शीट उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नया पॉपअप ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाकर फोल्डर सेलेक्ट करेंगे एंड आपका जो भी फाइल है उसे सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। यूनिट्स में आकर इंचेस सेलेक्ट करें एंड विड्थ एंड हाइट आपको जो भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। देन प्लेसेस में आकर कॉलम एंड रॉ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको कितना कॉलम चाहिए कितना रॉ चाहिए। नाउ ये सबको अनचेक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि इमेजेस जो भी है सब इंपोर्ट होने लगा है। अब यहाँ पर आप रीअरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी हम अपने लेयर पर आ चुके हैं। फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हम एडिट पे जाकर डिफाइंड पैटर्न पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर नेम चेंज कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अभी हम अपने मेन सब्जेक्ट पर आ चुके हैं। फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे देन यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे एंड ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करेंगे। नाउ अभी आप देख सकते हो कि हमारा इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। अब हम गॉशियन ब्लर ऐड करेंगे। फिल्टर में जाकर ब्लर पर क्लिक करेंगे एंड गॉशियन ब्लर। यहाँ पर मैं रेडियस 3.3 सेलेक्ट करूँगा, क्लिक ओके। अब हम फाइल में जाकर इसे सेव कर देंगे एंड मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा डिस्प्लेसमेंट एंड क्लिक ओके। अब हम अगेन इस इमेज को इंपोर्ट करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हम क्विक सेलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। नाउ अभी आप देख सकते हो कि हमारा सेलेक्शन हो चुका है एंड प्रेस कंट्रोल जे जिससे कि लेयर कॉपी हो जाएगा एंड यू कैन सी दिस। फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट पैटर्न, देन पैटर्न फिल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो इमेज सेव किया था उसे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप स्केल अप स्केल डाउन करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, क्लिक ओके। नाउ अभी फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हम फिल्टर में जाकर डिस्टॉर्ट पर क्लिक करेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ अभी हमारा पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने जो डिस्प्लेसमेंट के नाम से सेव किया था उसे ओपन करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। नाउ अभी हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, ओवरले एंड यू कैन सी दिस। प्रेस ऑल्ट एंड फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में क्लिक करेंगे जिससे कि हमारा क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से भी आप क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर सकते हो। नाउ यू कैन सी दिस, बट अभी हम थोड़ा ओपेसिटी कम करेंगे। नाउ यू कैन सी दिस फाइनल आउटपुट।